मुसलमानों का कैलेंडर हिजरत से शुरू होता है। ये एक बड़ी अजीब बात है, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि सहाबा किराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन से, जिस तरह आजकल का मुसलमान मिलाद मनाता है, जितना एहतमाम करता है, जितना शोर शराबा करता है, फर्ज से भी बड़ा फर्ज समझता है मिलादुन नबी को मनाना, सहाबा किराम ने मिलाद के दिन से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दीन के कैलेंडर की इब्तदा क्यों नहीं की? फिर कभी कभी जो अंग्रेजी कैलेंडर है वो ईसवी भी कहलाता है, हजरत ईसा की निस्बत से मिलादी भी कहलाता है और ईसवी भी कहलाता है, और ईसवी हजरत ईसा अलैहि सलाम से। सहाबा किराम रिजवानुल्लाह मजमईन इस्लामी कैलेंडर की इब्तिदा मिलाद से नहीं कर सकते थे, तो जिस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुवत मिली उस दिन से शुरू कर देते और नाम रखते नबवी कैलेंडर। सहाबा किराम ने वो भी नहीं किया। पता नहीं आपको इल्म हो या नहीं, आजकल एक फिरका है जो अपने आप को मोहम्मदी कहलाता है, मुसलमान बाद में कहलाता है, पहले कहता है कि हम मोहम्मदी हैं। न सहाबा किराम ने अपने आप को मोहम्मदी कहलाया, न ताबेईन ने, न तबा ताबेईन, न मुहद्दिसीन ने, न उलमा ने, न औलिया ने, हर किसी ने अपने आप को मुसलमान कहलाया। अगर इस तरह होता तो फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत ही अपने आप को मूसवी कहलाते, ईसाई अपने आप को ईसवी कहलाते, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत के लोग अपने आप को इब्राहिमी कहलाते, याकूब अलैहिस्सलाम की उम्मत ही अपने आप को याकूबी कहलाते, नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत ही अपने आप को नूही कहलाते। मालूम होता है कि दीन अल्लाह का है, दीन नबी का नहीं होता। हमेशा याद रखिएगा, दीन ऊपर से आता है, जो नीचे बनता है वो मजहब कहलाता है, जो आसमान से आता है वो दीन होता है। शरीयत का कोई भी हुक्म हो वो अल्लाह का हुक्म कहलाता है, वो नबी का हुक्म नहीं कहलाता। नबी के नाम पर दीन नहीं बनते, ना नबी के नाम पर उम्मतों के नाम रखे जाते। सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अली मजमईन ने इस्लामी कैलेंडर को नबवी कैलेंडर नहीं बनाया कि चलो जिस दिन से हुजूर को नबुवत मिली। एक बहुत बड़ा वाकया हुआ जिसे मेराज का वाकया कहते हैं। सहाबा किराम इस्लामी कैलेंडर को बनाते तो लिख देते मेराजी कैलेंडर, उसका नाम मेराजी कैलेंडर भी नहीं रखा गया। शक के कमर हुआ, चांद को दो टुकड़े किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के की जिंदगी में, इस्लामी कैलेंडर का नाम शक के कमर के नाम पर भी नहीं रखा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गारे हिरा में कुरान उतरा, पहली वही आई। सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला मजमईन ने इस्लामी कैलेंडर की इब्तिदा कुरानी के नाम से नहीं की कि जिस दिन से कुरान उतरा हम इस्लामी कैलेंडर की इब्तिदा करते। ये मेरी बातें जरा तवज्जो से समझिएगा। सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला मजमईन ने इस्लामी कैलेंडर की इब्तिदा हिजरत से की।